क्लास 7 साइंस, कल हमने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया था और ये चैप्टर 14 आज हम शुरू करने वाले हैं, एयर सिस्टम्स, एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स। ठीक है, एयर के बारे में कुछ बातें बताने से पहले हम लोग पढ़ना शुरू कर लेते हैं, यहीं से बहुत सारी बातें यहीं से निकल के आ जाएगी। एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर ब्लैंकेट दैट सराउंड्स आवर प्लेनेट अर्थ। लिविंग ऑन अर्थ इज क्वाइट लाइक लिविंग बिलो अ सी ऑफ एयर। तो अगर हम ऐसा बोले कि लैंड से नीचे की तरफ अगर हमें वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, जैसे हम इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ओशन बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ओशियन ऑफ वाटर की जगह ओशियन ऑफ एयर ऊपर की तरफ होता है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नीचे वाले को ओशियन, ओशियन ऑफ वाटर, और ऊपर वाले ओशियन ऑफ एयर को बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस गोज अननोटिस्ड। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी एयर है वो कंपोजिशन, हाँ बिल्कुल, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दिस गोज अननोटिस्ड बिकॉज द प्रेशर विद इन आवर बॉडी इज एबल टू काउंटरबैलेंस द आउटसाइड प्रेशर। एक लाइन छोड़ दी शायद, ऑल्दो वी आर नॉट कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ इट, एयर एग्जर्ट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर अपॉन अस। तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कुछ रख दिया जाए तो वो जो थिंग है वो आपके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करने ही वाला है। लेकिन इससे सिमिलर वे में एयर, ऑल्दो एयर जो होता है लाइट होती है, लेकिन अगर हमारे ऊपर वास्ट अमाउंट ऑफ एयर एक्ट कर रही है कंटिन्यूअसली, अनलेस अंटिल आप किसी ओवरहेटेड ट्यूब में जाकर के बैठ जाओ, मतलब कि वैक्यूम सराउंडेड किसी जगह में जाकर के बैठ जाओ, जो पॉसिबल नहीं है इन जनरल, तो ऑब्वियसली एयर वहां पे प्रेजेंट होगी, वो आपके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी। दिस गोज अननोटिस्ड बिकॉज द प्रेशर, यहाँ पे इंटरनेट करेगा, प्रेशर विद इन आवर बॉडी इज एबल टू counterbalance the outside pressure. You can feel the pressure of force created by air by simply observing the leaves moving or branches swaying on a tree. ठीक है, तो हमारे आसपास में दूसरा जो मैटर है उसे ऑब्जर्व करके हम ये देख सकते हैं कि अगर वहां एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है तभी तो वहां मूवमेंट शो हो रहा है ड्यू टू प्रेशर क्रिएटेड बाय एयर, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पर भी एयर एग्जर्ट कर रही होगी प्रेशर, लेकिन हम क्यों नहीं इतना हिल रहे हैं या फिर उड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी तुम लोग छत पर बैठे और तुम लोग उड़ गए हवा बहुत तेज चली, तो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रेशर, जो डिग्री ऑफ प्रेशर है उसमें वेरिएशन तो आ जाता है। जब बहुत तेज हवा चलती है हमें पता लगता है कि हमें हवा बहुत तेज लग रही है, ये फील हो रहा है हमें, राइट, ये ऑब्जर्वेशन तो है, तो इसका मतलब प्रेशर में वेरिएशन तो आ रहा है जब एयर की स्पीड चेंज हो रही है। तो अभी कुछ एक्टिविटीज भी आएगी तो हमें पता लगा कि एयर प्रेशर, मतलब एयर जिसके भी कांटेक्ट में आती है, जिस भी चीज के कांटेक्ट में आती है वहां पे प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो कुछ चार पांच एक्टिविटीज है आपकी बुक में ही, वो हम देख भी लेंगे। तो इफ यू गो बाय अ रिवर साइड यू वुड हैव सीन बोट्स विद अ सेल मूविंग इजीली। ये पत्तों के साथ दूसरा एग्जाम्पल बोट्स का, तो फिशरमैन जो होते हैं या फिर बोट ड्राइवर जो होते हैं, सेल्समैन, वो क्या करते हैं, सेलर्स क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं अपनी फिशिंग के लिए या अपने दूसरे इंटरेस्ट के लिए, दूसरे पर्पस के लिए, जहाँ पे हवा की डायरेक्शन है, ताकि उनको बोट चलाते हुए टाइम ज्यादा मैकेनिकल पावर ना लगानी पड़े, अपनी खुद की एनर्जी सेव कर सके। स्मार्ट वर्क। वी कैन मेजर प्रेशर, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एयर प्रेशर एंड यूज इट टू ऑपरेट मशीन्स एंड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम हमारे अकॉर्डिंग भी जितनी हमारी कैपेसिटी, जितनी हमारी लिमिट है, जितनी साइंस हमें पता चल गई है अभी तक की नेचर से रिलेटेड, उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं एयर प्रेशर को अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन एप्लीकेबल बनाने के लिए। ठीक है, अपने अपनी एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए, सही है। फैक्टर्स ऑन विच एयर प्रेशर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच एयर प्रेशर डिपेंड्स। तो एयर प्रेशर कब ज्यादा होगा कम होगा, तो ये कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो व्हेन यू क्लाइंब अ टॉल माउंटेन यू विल नोटिस दैट योर इयर्स पॉप एंड योर ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर।
एज वी क्लाइंब अ माउंट पहले पढ़ लेते हैं, एज वी क्लाइंब अ माउंटेन द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेस सिंस देयर आर फीवर मॉलिक्यूल्स टू पुट प्रेशर ऑन अस. समझ रहे? एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाओगे, अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे फार अवे, तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कम हो, गैसियस पार्टिकल कम हो जाएंगे. कम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस होना प्रेजेंट होना जरूरी है. अगर प्रेशर ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली किसी चीज को. कैसा क्यों होता है कि ऊंचाई से हवा कम हो जाती है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ किसे अट्रैक्ट करती है? जो जो चीज ज्यादा पास में होती है उसे अपने पास में रोक करके रखती है ना. ज्यादातर चीजें अर्थ से अट्रैक्ट होकर के उसके पास में रहती है, और जो लाइटर होती है, बहुत ही ज्यादा लाइटर होता है, उसमें मैग्नेटिक उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है. तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक स्फीयर के अंदर काम करता है. जैसे ही आपने उस स्फीयर को पार किया, फिर अर्थ विल नो लॉन्गर बी एबल टू अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स इट. तो क्या होगा, स्पेस में उड़ते रहेंगे फिर हमेशा. और उड़ना भी क्या हो, तो एक सेकंड या दो सेकंड का काम है, वैसे हमारी बॉडी फट जाएगी, हमारा अंदर इंटरनल, क्योंकि बाहर से प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स बचे नहीं है अब स्पेस में एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी, और अंदर से प्रेशर लग रहा है, अंदर तो एयर है तो वहां प्रेशर लग रही है, तो बॉडी फट जाएगी. तो उड़ते क्या रहेंगे, वो तो सिर्फ एक मिनट का भी काम नहीं लगेगा, एक मिनट के अंदर अंदर वहां पे बॉडी बस्ट हो जाएगी. तो दिस कॉजेस द एयर, सॉरी, एज वी क्लाइंब अ माउंटेन द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेस सिंस देयर आर फीवर मॉलिक्यूल्स टू पुट प्रेशर. फीवर मतलब कम, लेस मॉलिक्यूल्स टू पुट प्रेशर ऑन अस. तो ये काफी समझा भी रखा है आपको. जैसे जैसे आप लोग ऊपर गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते गए, तो ऑब्वियसली एयर का मास भी कम होता गया. एयर कम, मास कम, तो ऑब्वियसली हमारे पर प्रेशर भी कम होने लग जाएगा. अच्छा, इसका साथ में इसका ये भी है कि ये दे भी रखा है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ. जैसे ही हम ऊपर क्लाइंब करते हैं तो अमाउंट ऑफ एयर सराउंडिंग अस कम हो जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है एयर इनटेक करने की, हमारी बॉडी में जो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो अमाउंट थोड़ी ना चेंज होगा ऊपर जाने पे. वो अमाउंट तो चेंज होने वाला नहीं है, हमें तो उतना ही अमाउंट चाहिए. लेकिन अब देखो, ध्यान से सुनो. हम इनहेल करते हैं एयर को, इनहेल करते हैं हम एयर को, लेकिन हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट है? क्या इन एयर के अंदर जो अदर गैसेस है वो हमारे काम की है? ज्यादातर गैसेस काम की नहीं होती है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है एयर के साथ में अंदर जाने वाली, वो O2 है. ठीक है, मतलब कि अगर एयर का अगर एक यूनिट अंदर जा रहा है, तो एक यूनिट थोड़ी ना O2 मिलने वाला है, उससे कम मिलेगा आपको, तो क्योंकि और गैसेस का भी तो अमाउंट साथ में आने वाला है. सो रहे हो सब या समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा सोते हुए, ठीक है, जो भी है, मतलब O2 का जो अमाउंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है हर पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी को या हर पर्टिकुलर क्रिएचर को, वो तो फिक्स है. लेकिन ऊपर गए तो हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है, क्योंकि हवा कम है ऊपर की तरफ, तो हमारी ब्रीदिंग हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अगर हमें हमारी O2 की नीड को बैलेंस रखना है तो. सही है, तो इसीलिए हमारी ब्रीदिंग जो है तेज हो जाती है, और यहाँ पे दे भी रखा होगा, हमारी ब्रीदिंग हमें तेज करनी पड़ती है, मतलब कि जिस रेट से हम लोग ब्रीद कर रहे थे वो बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें O2 सेम O2 का अमाउंट जो है बैलेंस रखना है बॉडी में तो, और नेचुरली हो जाता है. आपको ऐसा नहीं करता कि करना पड़ता है कि जोर जोर से आप लोग इनहेल करोगे उसको आर्टिफिशियली, नेचुरल हो जाता है वो, नेचुरली आप करने लगोगे, राइट? क्योंकि अगर आपको पकड़ के पानी के अंदर डाल दें तो होता है ना, आप लोग वहां ब्रीदिंग कर पा रहे हो तो एकदम से आप खुद लाइट वाइज इनकम्फर्टेबल हो जाते हो, अनकम्फर्टेबल है, सॉरी, अनकम्फर्टेबल हो जाते हो. दिस कॉजेस द ईयर्स टू पॉप अप टू pop to balance the air pressure inside the ear and outside. For the same reason, some of your friends can get nosebleed as the fine arteries burst as air pressure outside suddenly falls and blood pressure stays relatively high. तो कहने का मतलब है, मान लीजिए ये रही आपकी artery, बाहर की तरफ प्रेशर इतना है नहीं क्योंकि हवा ही नहीं इतनी, comparatively हवा कम हो गई है तो बाहर प्रेशर जो लग रहा था वो कम हो गया. लेकिन हमें पता है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, एयर एक्सटर्नली एयर बाहर से जितना प्रेशर दे रही है, इंटरनली हमारी बॉडी में से भी अंदर की तरफ भी एयर और दूसरी चीज है प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो बैलेंस्ड होता है वहां पे. हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बैलेंस चल रहा है, ये प्रेशर, दोनों तरह का प्रेशर. ठीक है, yes, sir. लेकिन ऊपर आप गए तो यहाँ तो हो गया प्रेशर कम, लेकिन यहाँ से प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये आर्टरी इस तरीके से हो जाएगी ना, प्रेशर लगता क्या
और अगर और ज्यादा ऊपर जाते रहोगे तो फट करके बबल बस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार इस तरीके के डैमेज अगर बॉडी में होने लगे हैं, तुम्हारी ह्यूमन बॉडी बहुत सेंसिटिव है, ह्यूमन बॉडी क्यों, सारी बॉडीज बहुत सेंसिटिव होती है, तो थोड़ा सा भी अगर आप उसको डैमेज दोगे तो फिर वो आगे से आगे बड़ा होता जाएगा। एज द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस दैट मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिक्रीजेस, ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करो, ऑल्सो डिक्रीजेस एंड इन ईच ब्रीथ वी तो टेक सर जो माउंट पे क्लाइम करते हैं वो लोग क्या करते होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर ताकि लेकर वो भी जाते हैं, बचे रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भी जाते हैं। सो वी हैव टू ब्रीथ मोर ऑफन, सो माउंटेन क्लाइंबर्स मे कैरी ऑक्सीजन मास्क, ये लो तुम्हारी बात आ गई, इफ दे प्लान टू क्लाइम से द माउंट एवरेस्ट। तो कभी आप माउंट एवरेस्ट पे जाने का प्लान बनाए विद फैमिली या विद फ्रेंड्स तो ये ले जाना मत भूलना मास्क, ठीक है। अदरवाइज अपने फ्रेंड को फोन करके बोल रहे हो कि मास्क लेके जल्दी आओ। टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लेना इसे बार बार, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एयर प्रेशर के ऊपर। तो एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट है, मतलब अर्थ से आप ऊपर की तरफ जाओगे एयर प्रेशर कम होगा, कंक्लूजन ये है इस पूरा सार सिनॉप्सिस में। अगर बोले सिनॉप्सिस भी क्या, वन सेंटेंस में अगर बोले फाइनलाइज करके तो क्या है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ज्यादा होगी ऊपर की तरफ जाओगे एयर प्रेशर कम होगा, बस दैट्स ऑल। टेम्परेचर का रोल देख लो एक बार, एयर एक्सपांड्स एज टेम्परेचर राइजेस, एयर मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड बिकम लेस डेंस, लेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया मींस लेस एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। तो तीन लाइन में इसने बहुत कुछ कह दिया, तीन लाइन भी क्यों, ये ढाई लाइन में इसने बहुत कुछ कह दिया। सबसे पहले तो देखो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कि हीट एनर्जी बढ़ रही है। मान लो किसी कंटेनर में ये गैस रखी हुई है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब गैस को हीट एनर्जी दे रहे हो, और जैसे ही किसी चीज में एनर्जी आ जाती है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स भागने लगेंगे इधर उधर, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में भागने लगेंगे। अरे हाँ या ना तो बोलो, यस सर, यस सर, ठीक है। तो एयर एक्सपांड्स एज टेम्परेचर राइजेस, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, जो मैंने बताया वो बताया कुछ अलग नहीं है, सेम ही लिखा हुआ है, मतलब एयर एक्सपांड हो जाती है। एक तो होता है कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़ जाना किसी चीज का, पहले जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो कम हो गया, कम हो गया, और एक्सपांशन का मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो बढ़ गया, चीज बड़ी हो गई। तो एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया, एयर एक्सपांड एक्सपांड्स मतलब कि एयर, अगर मान लो कि वैसे मान लीजिए कोई बलून ही है, ये सॉरी ये बलून ही है मान लो, इसमें आपने जितना जितनी हवा भर रखी है उतना ये इसने शेप बना रखा है अपना। अगर आप इसे थोड़ी गर्म जगह पे ले जाओगे तो वो अंदर जो एयर है वो उसको हीट एनर्जी मिली तो ये बड़ा हो जाएगा गुब्बारा अपने आप ही, बिना हवा भरे ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि एयर एक्सपांड कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये, एयर मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड बिकम लेस डेंस, मतलब कि दूर दूर भाग गए एक दूसरे के पास, नजदीक नहीं रहे अब। और लेस डेंस का मतलब क्या था, पहले तो देखो डेंस क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितना मास रखा हुआ है कितने वॉल्यूम में, इसका मतलब हो गया कि ये मोर डेंस है मतलब कि छोटी जगह में ज्यादा सामान रखा हुआ है, कम जगह में ज्यादा सामान रखा हुआ है उसे बोलते हैं हाई डेंसिटी। और अगर ज्यादा जगह में या फिर मान लो सेम जगह में कम सामान रखा हुआ है तो ये हो गया लेस डेंस। तो यही तो बात हो रही है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स अगर भाग गए एक दूसरे से तो मतलब ज्यादा जगह में कम एयर है अब, तो इसका मतलब लेस डेंस। तो उस गुब्बारे का एग्जाम्पल लिया था हमने, बलून का एग्जाम्पल लिया था, तो एयर मॉलिक्यूल्स उतने के उतने ही है लेकिन एक दूसरे से दूर दूर भाग गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा गिर लिया उसने। तो बलून जो यहाँ पे तो आपके लिए फेवरेबल हो गया, बलून आपको बड़ा ही चाहिए होता वैसे तो ये मिल गया आपको। लेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया मींस लेस मॉलिक्यूल्स, इसे पूरा अंडरलाइन कर लेना, लेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया मींस लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए ना
तो मतलब कहने का मतलब ये कि मान लो ये सरफेस सेम है, यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी थी, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स थे, तो ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि सेम जगह में ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स है ना। ऑब्वियसली किसी चीज को धक्का देना है तो तुम में से दो को पकड़ के लाऊं मैं और धक्का देने के बोलूं, और अगली केस में अगर मैं चार जनों को पकड़ के लाऊं तुम में से, तो ज्यादा अच्छे से धक्का दे पाओगे ना। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल्स दूर चले गए एक दूसरे से तो सर एरिया तो सेम रह गया लेकिन मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो कम मॉलिक्यूल्स रहेगा तो कम छोटा सा प्रेशर दे पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर दस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए, एक दूसरे के से दूर चले गए तो साथ में मिलकर के एयर प्रेशर ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं, तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड बढ़ाओ या फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, दोनों ही केस में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिल रहा है। बोलो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया। वाटर वेपर का इफेक्ट देख लो, वाटर वेपर, पानी को जब गर्म करते हो तो उसके ऊपर से जो स्टीम उठती है, फिर वो जो गैसियस पार्टिकल है, वाटर के जो गैसियस पार्टिकल है जो हीट एनर्जी लेकर के उड़ रहे हैं हवा में, उसे बोलते हैं वेपर। मॉइस्ट एयर इज लाइटर और लेस डेंस देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर इज लाइटर और लेस डेंस देन ड्राई एयर, मतलब कि सूखी हवा में जिसके अंदर पानी की बूंदे प्रेजेंट नहीं है, उसके एयर मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास में प्रेजेंट है, ठीक है। और वहीं अगर आपने H2O मतलब पानी की कुछ बूंदे अगर डाल दी उस हवा के अंदर, उसी को बोलते हैं मॉइस्ट एयर, मतलब पानी में मॉइस्चर आ गया, तो वो लेस डेंस है, मॉइस्ट एयर। क्यों? क्योंकि सेम जगह में कुछ पानी की बूंदे भी आ गई। अगर पानी की बूंदे नहीं थी या वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर नहीं था तो सिर्फ एयर के पार्टिकल थे, तो एयर के पार्टिकल जो है रेस्पॉन्सिबल थे एयर प्रेशर क्रिएट करने में, राइट। तो अगर आपने मान लीजिए कि ये जो ये मैंने गलत बना दिया, वैसे मान लीजिए ये सेम जगह है, इसमें सिर्फ ड्राई एयर रखी हुई है, मतलब कि कोई पानी की बूंदे नहीं है, कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, कोई वाटर वेपर नहीं है, राइट। और यहाँ पे मान लो कि मैंने पानी की बूंदे भी दो तीन डाल दी या पांच डाल दी और इसमें सेम हवा है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स उसको डिस्टर्ब कर रहे होंगे उस जगह पे, उस पार्टिकल्स उनको उनके बीच में अधेरेंस क्रिएट कर रहे होंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होंगे प्रेशर एग्जर्ट करने में सरफेस पे। तो ऑब्वियसली ये लीजिए, वी नो 1 लीटर ऑफ एयर वेज 1.286 ग्राम, 1 लीटर ऑफ वाटर वेपर नॉट लिक्विड वाटर, वाटर वेपर का मतलब नॉट लिक्विड वाटर बोल रहा है, मतलब गैसियस वाटर की बात कर रहा है वो, हैज अ वेट, मतलब कि ये मान लीजिए आपने ये बीकर कंटेनर लिया है उसके ऊपर आपने ये कवरिंग कर रखी है और पानी है ये रहा, उसके नीचे आप गर्म कर रहे हो तो पानी की बूंदे ऊपर उड़ेगी उठेगी और ये जो पानी है वो हवा की फॉर्म में है उसे बोलते हैं वाटर वेपर। Has a weight of 0.8 gram, so the air around us keeps getting lighter as its moisture content increases. अरे समझ गए? Underline भी किया ना, ये पूरे important है। Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो तीनों ही केस में हमने देखा कि air pressure कम हो गया, earth से ऊपर की तरफ दूर जाओगे air pressure कम हो गया, water vapor content बढ़ाओगे किसी भी हवा में तो air pressure कम हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या आप लोग समझ गए? यस सर। हाँ समझ गए। यस सर। चलिए ठीक है, कल से कंटिन्यू करेंगे विंड। विंड के बाद में कल हम कवर कर लेंगे ये एक्टिविटीज सारी, कल कवर कर लेंगे डेफिनेटली, कोशिश तो ये रहेगी, ठीक है, एक्टिविटी 5 तक, और उसके बाद फिर डे आफ्टर टुमारो अनइक्वल हिट स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर। Bye, sir.